हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सर्दी खांसी के लिए स्पेशली एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो जिसके कारण से फैमिली में किसी न किसी को सर्दी खांसी होता रहता है, और एक पर्सन को होगा तो पूरी फैमिली को हो जाता है, और हम डर जाते हैं कि आखिर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गया। और 100% हमारी लाइफ से तो कोविड गया नहीं है, और नया वेरियंट सुनने को मिल रहा है कि ओमिक्रॉन आ गया है। तो फ्रेंड्स, आप बढ़िया से सेफ रहें और इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। आप पूरी फैमिली में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी इसको ले सकते हैं, और घर पर ही अवेलेबल चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए हम ये बिना फूल वाले लौंग है, इसको हमने अलग कर लिया है, और ये फूल वाले लौंग लेना है फ्रेंड्स इस रेमेडी को बनाने के लिए। और इससे डबल क्वांटिटी में हम काली मिर्च लेंगे। तो ये दोनों को हमने ले लिया है। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो करके इनको थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। तो बस फटाफट से हम इसको रोस्ट कर लेते हैं, हल्का स्पून से चलाएंगे तो दोनों तरफ अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। वैसे भी अभी सीजन चल रहा है सर्दी का, तो उसके कारण से किसी ना किसी को घर पर प्रॉब्लम चलता ही रहता है। यह हमारा रोस्ट हो चुका है, काली मिर्च और लौंग, तो हम इसको तवे से निकाल लेते हैं। एक हमने अदरक का टुकड़ा ले लिया है, इसका हम छिलका निकाल लेते हैं। और ये तवा ऑलरेडी हमारा गर्म है, हमें गैस ऑन नहीं करनी है। ये तवा ऑलरेडी गर्म है, काली मिर्च और लौंग इसमें रोस्ट किए थे, तो गर्म तवे में हमने इसको अदरक के टुकड़े को रख दिया है। और अब इसका हम पाउडर बना लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इस पाउडर को पहले से स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको इस रेमेडी को बनाना है तो आप इस पाउडर को के साथ सारे आइटम घोलकर इस रेमेडी को तैयार कर सकते हैं। तो ये फटाफट से देखिए हमारा पाउडर तैयार हो गया है। आप इसको किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि बार बार बनाने का इसका झंझट ख़त्म हो जाए। ये हमने अदरक के टुकड़े को भी ग्रेट कर लिया है। अब इसका रस निकालने के लिए हमने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है, पतला सा कपड़ा। बस इसका हम फटाफट से जूस निकाल लेते हैं, ऐसे में आसानी से अदरक का रस निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से ये रेमेडी बन जाती है और बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। रेमेडी बनाने के लिए हमने 2 टेबल स्पून शहद ले लिया है। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून हम ये पाउडर को मिक्स कर देते हैं, काली मिर्च और लौंग वाले पाउडर को। इसमें 1/2 टेबल स्पून अदरक का रस ऐड कर देते हैं, और इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, करीब 1 चुटकी। सेंधा नमक हमारे गले का जो दर्द है उसको ख़त्म करता है। और इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। हल्दी पाउडर एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबायोटिक होती है, जो कि गले का दर्द को दूर करता है। सारे आइटम को बढ़िया से मिक्स कर लिया है, तो ये रेमेडी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है फ्रेंड्स। यदि आपके यहाँ कभी भी किसी को भी सर्दी खांसी हो तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें, और फ्रेंड्स आप इसका ज़रूर यूज़ करें, बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपकी सर्दी खांसी को 100% ये ख़त्म कर देगा। और यदि आपके यहाँ कोई भी छोटा बच्चा है तो 2 से 2.5 साल के बच्चे को जो घर की नॉर्मल स्पून है ना, ये वही स्पून लिया है, तो 1/4 भाग आप बच्चे को चटा सकते हैं या स्पून से खिला सकते हैं। ये आपकी सर्दी खांसी को जड़ से ख़त्म कर देगा। तो आप सभी ले सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, इसको सभी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको जब भी लें तो इसके बाद आप पानी का यूज़ ना करें, इस चीज़ का बस ध्यान रखें। जैसे आप मॉर्निंग में चाय पीने से पहले इसको ले सकते हैं, या रात को सोने से पहले इसको ले लें, तो फ्रेंड्स आपको 100% आराम लगेगा, और आप इस सर्दी में बढ़िया से सेफ रहें, और इस कोविड में बढ़िया से ध्यान रखें अपना। बिना मास्क के ना निकले फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है, बल्कि नया वेरिएंट के कारण से हम सभी को फिर से डर लगने लगा है। तो फ्रेंड्स, आप बढ़िया से सेफ रहें। और यदि आपने मेरे चैनल पे, यदि आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज़ विद सीमा को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।